नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्यून प्लेनेट रानी ग्रह चंद्रमा के ऊपर। देखिए, चंद्रमा का जो कंट्रोल है वो हमारे मन पर है। धरती के नजदीक जो सबसे नजदीक का ग्रह वो चंद्रमा है। विज्ञान चंद्रमा को ग्रह नहीं मानता क्योंकि चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा नहीं करता, लेकिन ज्योतिष चंद्रमा को ग्रह मानता है क्योंकि चंद्रमा का मनुष्यों पर और जीव जंतुओं पर और वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मन की जो दिशा और दशा होती है, जिसे मनोदशा कहते हैं, उसके अनुसार ही हम अपने जीवन में सभी कार्य करते हैं। मनोदशा के कारण ही साहस आता है, दलेरी आती है। अगर मनोदशा विपरीत चल रही हो तो डर की भावना, वहम की भावना ये आती है। जो अष्टम भाव है कुंडली का, सबसे विचित्र भाव है। जो गुप्त बातें हैं, समझ से बाहर वाली बातें हैं, वो अष्टम भाव अपने में समाये हुए हैं। अष्टम भाव की भविष्यवाणी करना कुंडली में सबसे अधिक जटिल कार्य है। तो भाई, चंद्रमा और अष्टम भाव का बहुत संबंध है क्योंकि जब हम जन्म पत्री का निर्माण करते हैं तो एक तरफ लग्न कुंडली बन जाती है, साथ ही साथ चंद्र कुंडली अवश्य बनाते हैं क्योंकि चंद्रमा को भी लग्न के जैसा दर्जा दिया गया है ज्योतिष में। तो चंद्रमा से जो अष्टम भाव है वो चंद्रमा की गुप्त शक्तियों को सक्रिय करने में बहुत योगदान प्रदान करता है। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि कई बार जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं कि सभी उपाय कर लिए, पूरी कोशिश कर ली, पूरी मेहनत कर ली, अपने जितने भी सोर्स थे सबको यूज कर देख लिया, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही। तो भाई, आपने चंद्रमा से अष्टम भाव में जो राशि है उस राशि का दान करना है, उसका जो ग्रह बनता है तो आपको लाभ होगा। आइए, प्रत्येक भाव में चंद्रमा और उससे जो अष्टम भाव बनता है उस पर चर्चा करते हैं। लग्न से शुरू कर लेते हैं। चंद्रमा पहले भाव में हो तो, पहले भाव में चंद्रमा हो तो जातक का चेहरा गोल होता है, सुंदर होता है जातक, आत्मविश्वास देता है। शुभ चंद्रमा हो, दूसरों के सामने अपनी बात जातक बहुत प्रभावशाली ढंग से रखता है। चंद्रमा में छुपी हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए जो इससे आठवां भाव बनता है, अष्टम भाव बनता है, वो ये अष्टम बनेगा। इसको सक्रिय करना होगा। जो ये भाव है ये सीक्रेट वस्तुओं का भाव है,
सीक्रेसी का भाव है, गुप्त बातों का भाव है। तो भाई इन्हें सक्रिय करने के लिए अगर लग्न में चंद्रमा विराजमान हो तो अपनी लाइफ को पूरी तरह से गुप्त कर दे, यानी आपके जीवन के जो रहस्य हैं, जो राज हैं, चाहे छोटी बातें भी हैं, वो किसी को ना बताए, बिल्कुल सीक्रेट हो जाए, यानी अपनी वाणी पर पूर्ण रूप से कंट्रोल करें। जितना कम बोलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जब तक आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक उसका ढोल नहीं पीटना। इसके अलावा चंद्रमा पहले भाव में हो तो ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखने हैं और कुछ लोगों से गुप्त संबंध होने चाहिए। कुछ ऐसे लोग जैसे कभी आपका झगड़ा हो गया तो उस समय हमें दूसरी तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। राजनीतिक लोग वो भी हमारे बहुत काम आते हैं। तो इन तरह के जो लोग हैं उनके साथ आप गुप्त संबंध रखिए, यानी अपने संबंधों के बारे में किसी को बिल्कुल ना बताएं। अगले भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में भाई चंद्रमा विराजमान हो तो दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान हो अमूमन देखा गया है कि धन के मामले में जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो उसकी अधिक चिंता मत करना। अगर आपको बहुत टेंशन हो दूसरे भाव में चंद्रमा हो, धन की मान लीजिए बहुत चिंता होगी या परिवार के किसी सदस्य की बहुत चिंता होगी, तो आपको 54 आवर्स यानी कि चंद्रमा एक राशि में तकरीबन 54 आवर्स रहता है, तो इतने समय तक वेट करनी चाहिए। इतने समय के बाद आपको अपनी समस्या का अपने आप कोई ना कोई हल मिल जाएगा। परिवार के सदस्य आपसे कई बार नजायज लाभ लेंगे क्योंकि इमोशंस अधिक है आप में। दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो खाने पर कंट्रोल करें, खास तौर पर अधिक ठंडा खाना, जैसे जिसमें बर्फ हो या आइसक्रीम हो, इस तरह की जो वस्तुएं हैं वो कम खाएं, नहीं तो नुकसान पहुंचा सकती है आपको। तो दूसरे भाव की जो शक्ति छिपी है भाई, दूसरे से अष्टम कौन सा बनेगा, नवम भाव, नवम भाव में छिपी है। तो आपको अपना काम जो करना है पूरी ईमानदारी से करना है, पूरी जिम्मेदारी से करना है। किसी से कोई वायदा कर लिया तो उसको पूरा करें। जिनके दूसरे भाव में चंद्रमा है अगर उनकी ये आदत है कि बिना सोचे समझे किसी से कोई प्रॉमिस कर लेते हैं और वो पूरी नहीं करते, तो ये उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसलिए वही वादा करें, किसी से वही प्रॉमिस करें जो आप आसानी से पूर्ण कर सकें। दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो धार्मिक हो तो बहुत अच्छा है। धार्मिक होने का जहां ये अर्थ नहीं है कि किसी धार्मिक संस्था में चले गए, मंदिर में चले गए, भगवान के सामने माथा रगड़ा, राम राम जो भी करते हैं ऊंची आवाज में लोगों को दिखाने के लिए, फिर जब बाहर आए मंदिर से फिर वही उल्टे कार्य, गरीबों को दुख देना, किसके साथ कैसे ठगी मारनी है, राग द्वेष की भावना,
तो भाई इसको धार्मिक नहीं कहते। धार्मिक बंदा वो है जो दूसरों का दुख समझता है और जितनी क्षमता होती है उनकी मदद करता है। अगले भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में भाई चंद्रमा विराजमान हो। चंद्रमा को कहते हैं कि जी ये तो नरम ग्रह, लेकिन देखने में आया है जिनके तीसरे भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए, जातक बहुत पराक्रमी होता है, अपनी हट का पक्का होता है। जो उसका लक्ष्य होता है, जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर ले तब तक उसको चैन नहीं आता। मन पर एक वजन बना रहता है जब तक सोचा हुआ कार्य पूरा ना कर ले। भाई बहनों के कारण जातक की भावनाओं पर चोट लगेगी, तो इसको इतना सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो छोटी यात्राओं से लाभ होगा। जो सेल्स की लाइन में है, मीडिया अखबार वाला हो गया, या जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, वीडियो वाला मीडिया हो गया, कम्युनिकेशन की लाइन में है, किसी डिजाइनिंग की लाइन में है, या किसी को एडवाइज करते हैं, जैसे पैसों पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, फाइनेंस के एडवाइजर हैं, इन क्षेत्रों में अच्छी कामयाबी हासिल करते हैं। जो तीसरा भाव है उसकी गुप्त पावर वही छुपी है दसम भाव में, क्योंकि तीसरे भाव से जो अष्टम भाव बनेगा वो बनेगा दसम भाव। तो दसम भाव कर्म का है। जितना कर्म करोगे, अपने कार्य क्षेत्र में जितने नए नए आइडियाज, नए नए विचार लगाओगे, जीवन में आप उतना ही सफल होंगे। इसके अलावा होशियारी, चालाकी, जब किसी से करनी हो, गरीब से नहीं करनी, जरूरतमंद से नहीं करनी, कोई छली है, कपटी है, उससे होशियारी चालाकी कर सकते हैं। जब होशियारी चालाकी छल कपट करना हो तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कीजिए, नहीं तो आप पकड़े जाते हो, फिर आपकी थोड़ी बदनामी हो सकती है। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलना पड़े, होशियारी करनी पड़े, चालाकी करनी पड़े, कीजिए। अगले भाव पर आते हैं। चौथे भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो भाई, चौथे भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो जातक अपनी माता का दिल से करेगा, लेकिन विचारों में थोड़े मतभेद रह सकते हैं माता के साथ, मगर फिर भी जातक को माता का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। इसके अलावा चौथे भाव में चंद्रमा हो तो कोई वाहन खरीदना हो, जमीन जायदाद खरीदनी हो, तो जल्दबाजी नहीं करनी। भावनाओं में बहकर किसी की के बहकावे में आकर कोई बड़ा बड़ी इन्वेस्टमेंट जमीन जायदाद और वाहन में नहीं करनी। इसके अलावा चौथे भाव में चंद्रमा हो तो भाई परिवार के लिए अधिक धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। अपने सुखों के ऊपर धन अधिक खर्च कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि परिवार के प्रति जो हमारे फर्ज बनते हैं वो पूरे नहीं करने, फर्ज पूरे करने हैं, लेकिन ये नहीं कि मैं अपने बेटे के लिए भी धन इकट्ठा कर लूं और आप चाहे दुखी हो रहूं। तो जितना धन आपके पास है अपने सुख के ऊपर अधिक से अधिक उसका यूज कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। तो जो चौथा भाव है उसकी जो गुप्त शक्ति है वो कहाँ आ गई भाई? इससे आठवां भाव
ग्यारहवें भाव में। तो आलस बिल्कुल त्यागी है, कामयाबी के लिए आलस त्यागी है, हमेशा एक्शन मोड में रहिए, जैसे आर्मी वाले रहते हैं। शनि का घर है, काल पुरुष की 11 नंबर की राशि या शनि की राशि, तो भाई बेईमानी का धन आपके धन को भी ले डूबेगा, इसलिए बेईमानी का धन बिल्कुल इकट्ठा नहीं करना, नहीं तो जो आपका मेहनत का पैसा होगा वो भी जाएगा। इसके अलावा चरित्र अच्छा रखें, करैक्टर अपना अच्छा रखें। अब कई बार कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हमारा तो काम ही बेईमानी का है, अगर हमने बेईमानी छोड़ दी तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे, खाना कहाँ से खाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। तो भाई अगर इस तरह की स्थिति हो, चंद्रमा चौथे भाव में हो, तो कम से कम 20% दान पुण्य पर खर्च कीजिए बेईमानी की कमाई। और जो कोहरी होते हैं, लेप्रसी का जिन्हें रोग होता है, उनकी सेवा में खर्च कीजिए। अगले भाव पर आते हैं, पंचम भाव में भाई चंद्रमा विराजमान हो जाए तो जीवन में भावनाओं की, इमोशंस की अधिकता के कारण जातक नुकसान में रहता है। पाता कम है, खोता अधिक है इमोशंस के कारण। इसके अलावा पंचम भाव में चंद्रमा हो तो किसी से बहसबाजी हो जाए, तर्क वितर्क हो जाए, तो उसको इज्जत का सवाल बिल्कुल नहीं बनाना। जहां तर्क वितर्क खत्म हो गया वहीं उसको भूल जाए। पंचम भाव में चंद्रमा हो तो जातक अपनी प्रेमी या अपनी प्रेमिका को समझ नहीं पाएगा, इसलिए प्रेम संबंधों में आपको चलाकी से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको आपका प्रेमी या प्रेमिका जूझ करेंगे और आपको मालूम होगा कि मुझे जूझ किया जा रहा है, लेकिन लत लग जाएगी ऑपोजिट सेक्स की, जिसके कारण आप चाहकर भी जो आपका प्रेमी या प्रेमिका कहेगा उसके कार्य को ना नहीं कर सकोगे, जायज नजायज सभी तरह के कार्य आपको करने पड़ेंगे। इसलिए अगर प्रेम संबंध में हो तो भाई सावधान हो जाइए। पंचम भाव में चंद्रमा हो तो जातक को राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय होना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं उनसे जातक को अच्छा लाभ होता देखा गया है। संतान के प्रति फर्ज निभाएं, अधिक चिंता नहीं करनी कि कैसे सेट होगी, क्या करेगी, उनका अपना भाग्य है, उनकी अधिक टेंशन नहीं लेनी। एक बार बात और देखी गई है कि पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो कन्या संतान पुत्र संतान से अधिक जातक के लिए भाग्यशाली होती है, जातक की सेवा करने वाली होती है। तो भाई पंचम भाव से जो अष्टम भाव बनता है, जिसमें गुप्त शक्ति छुपी है इसकी, वो बनता है बारहवां भाव। तो जहां तक हो सके दूसरों की मदद करनी है, बीमारों का इलाज करवाना है, कोई मृत्यु के किनारे पड़ा हो तो पूरी कोशिश करनी है उसको मरने से बचाना है। एक बात का और ध्यान रखना है कि सेक्स में आपको संयम रखना, और अगर हो सके तो विदेशों में संबंध बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे कार्य
जिससे विदेश के धन की प्राप्ति हो वो करने की कोशिश कीजिए, उनमें भी आपको अच्छा लाभ होगा। अगले भाव पर आते हैं, छठे भाव में चंद्रमा। छठा भाव ज्योतिष में कहा गया है कि जो छठा भाव है ये दुख का भाव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। छठा भाव भी बहुत लाभ देता है और खास तौर पर हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा है कि जिसके छठे भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए वो जातक राजा से दुश्मनी करता हुआ भी समाज में आदरणीय होता है। तो राजा से दुश्मनी करने के बाद जिसका समाज में आदर मान सम्मान हो तो भाई उसके पास कोई ना कोई गुण तो होगा ही, धनी होगा या कोई जुनीक गुण होगा जो किसी और के पास नहीं होगा। इसलिए छठे भाव में चंद्रमा आपके लिए शुभ है। प्रॉब्लम क्या देता है कि जातक गुणवान तो बहुत होता है, दलेरी की कमी दे देता है, साहस की कमी दे देता है, छोटी छोटी बातें मन पर लगा लेता है, छोटी छोटी बातों की चिंता करनी शुरू कर देता है, जिसका सीधा असर जातक के लीवर पर और पेट की बीमारियों पर, अंतड़ियों पर पड़ता है। अगर नौकरी करता हो या बिजनेस करता हो तो नकारात्मक विचार कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, अगर मुझे बिजनेस में घाटा पड़ गया तो मैं क्या करूंगा, तो भाई थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको छठे भाव से जो अष्टम भाव बनता है लगन का भाव, उसको मजबूत करना पड़ेगा। ये कैसे मजबूत होगा? एक तो जो आपकी ड्रेस है, जो कपड़े हैं, इम्प्रेसिव होने चाहिए। फैशनेबल की बात नहीं मैं कर रहा, देखने में आप बहुत सुंदर लगो। जो मेरी बहनें हैं इस तरह के कपड़े ना पहने कि शरीर के अंग अधिक दिखाई दे, इम्प्रेसिव कपड़े पहने कि आप देखने में सुंदर लगो, तो चंद्रमा बहुत अच्छा फल देगा। इसके अलावा किसी से बात करनी हो तो पूरे आत्मविश्वास से करो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो, आपको कोई दूसरा बंदा खा नहीं जाएगा। डर डर कर किसी के साथ बात नहीं करनी। और जो आपकी आदतें हैं, लोगों से व्यवहार है, जैसे विद्वान करते हैं ना, थोड़े से उस टाइप के विचार रखो कि छोटी मोटी किसी ने गलती कर दी माफ कर दिया, और अपने मन को थोड़ा ब्रॉड रखिए कि छोटी छोटी बातों का असर दिमाग पर नहीं होने देना। अगले भाव की बात करते हैं, सप्तम भाव में भाई चंद्रमा विराजमान हो जाए। अगर शुभ चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो बहुत अच्छा जोग है। जातक का जो जीवन साथी है सुंदर होता है, सुशील होता है, जातक का पूर्ण रूप से साथ देता है, पूर्ण रूप से संजोग देता है। पीछे जब कोविड की बीमारी आई थी तो कई केस ऐसे देखे कि पति की नौकरी चली गई और साल 1.5 साल तक पूरे घर का खर्चा पत्नी की कमाई से चला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पत्नी ने आप कभी अहंकार नहीं दिखाया, कभी ये शो नहीं किया कि मेरे कारण घर का खर्चा चल रहा है,
आप तो बेकार बैठे हो, ऐसी बात कभी नहीं की। ये ब्यूटी है चंद्रमा की सप्तम भाव में। तो भाई सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो शुभ हो, साझेदारी में भी अगर आप कार्य करो तो उसमें भी आपको लाभ होगा। नौकरी में बिजनेस में अगर परिवर्तन हो, ट्रांसफर हो जाए, जाओ प्राइवेट नौकरी है तो एक छोड़ दी दूसरी कर ली, उसमें भी आपको लाभ होगा। सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो जातक में एक क्वालिटी और होती है कि दूसरों का जो झगड़ा होता है उनको सुलझाने की शक्ति जातक में होती है। अब सप्तम भाव का पूर्ण रूप से कैसे लाभ ले सकते हैं, तो भाई इससे अष्टम भाव देखिए धन का भाव बनता है। तो सप्तम भाव की जो गुप्त पावर है चंद्रमा की अष्टम भाव में छिपी हुई है। तो फिजूल का खर्च बिल्कुल ना करें, जहां तक हो सके धन को संचित करें। आपकी किस्मत धन से जुड़ी हुई है, अधिक से अधिक सोना चांदी धन संचित करने की भाई कोशिश करें, उतना ही जीवन में आप लाभ प्राप्त करोगे। आगे आते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव में भाई चंद्रमा हो तो जातक के पास तकरीबन सभी सुख होते हैं, लेकिन दिल दिल में धर की भावना होती है। अगर नीच का हो चंद्रमा फिर डर की भावना थोड़ी कम होती है। यानी अष्टम भाव में आठ राशि का हो, जैसे जहां है ना आठ राशि का नीच का होता है तो डर की भावना थोड़ी कम होती है, वरना डर की भावना फियर जातक में अधिक होता है। इसके अलावा अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो जातक कूटनीतिक होता है, किसी से किस तरह काम निकलवाना है जातक को इसकी पूरी जानकारी होती है। अचानक धन प्राप्ति के लिए शुभ है, बिना कमाया धन प्राप्ति के लिए शुभ है, वसीयत आदि से लाभ के लिए शुभ है, इंश्योरेंस से लाभ के लिए शुभ है। मगर वही अष्टम भाव में चंद्रमा हो, एक तो बवासीर पाइल्स की बीमारी, एक हर्निया का जो रोग होता है, एक छाती की बीमारियां, इनका आपको ध्यान रखना है, इनको इग्नोर नहीं करना। अब अष्टम से अष्टम भाव कौन सा बनेगा, तीसरा बनेगा। तो अष्टम भाव की जो गुप्त शक्ति है इसको सक्रिय करने के लिए तीसरा भाव सक्रिय करना पड़ेगा। पराक्रम का भाव है तीसरा भाव, हमेशा एक्शन मोड में रहना है, तैयार बर तैयार, कोई कार्य आ जाए तो फौरन करना है, ये नहीं कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, आज गर्मी अधिक है एसी में बैठे हैं, ऐसा नहीं सोचना। पराक्रमी बनना है, छोटे भाई बहनों से अपनी तरफ से अच्छे संबंध बनाए, उनका रवैया आपके साथ कैसा भी हो। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, गुप्त शत्रुओं पर नजर रखें और उसके नुकसान पहुंचाने से पहले ही उसका नाश कर दें। छोटी छोटी यात्राएं करते रहे तो आपका भाग्य भी आपका साथ अधिक देगा। अगले भाव पर आते हैं, नवम भाव में भाई चंद्रमा विराजमान हो जाए, भाग्य के भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो भाग्य में थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं आएंगे, कभी उतार आ गया कभी चढ़ाव आ गया, ऐसा चलेगा। कई बार बड़े से बड़ा कार्य भाग्य के कारण चुटकियों में हो जाएगा, और कई बार
छोटे से छोटा कार्य भाग्य के कारण नहीं बनेगा, बड़ी से बड़ी सिफारिश फेल हो जाएगी। इसके अलावा नवम भाव में चंद्रमा हो, धर्म के मामले में जातक थोड़ा वाइब्रेट हो जाता है कि मान लीजिए किसी देवी देवता को मानते हैं, चार काम उनसे कहे कि भगवान जी करवा दीजिए तो उन्होंने करवा दे, पांचवा काम नहीं करवाया तो आप कहेंगे कि अब किसी दूसरे देवी देवते से मांग कर देखते हैं। ऐसा नहीं करना। जिस भगवान का, ईष्ट का, देवी देवते का, गुरु का एक बार लाड़ पकड़ लिया फिर डुबो दे तब भी मंजिल, पार लगा दे तब भी मंजिल। तो भाई नौमा भाव है जो, उसकी जो गुप्त पावर है उससे जो अष्टम भाव बनता है वो बनता है चौथा भाव। तो जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार अच्छा वाहन खरीदिए, घर चाहे छोटा हो सजा हुआ होना चाहिए, डेकोरेटेड होना चाहिए। अगर क्षमता है तो जो ड्राइंग रूम है आपका उसमें महंगा थोड़ा सा सोफा सेट वगैरह रखिए। जमीन जायदाद खरीदते रहे, इसमें आपका भाग्य छुपा है। परिवार के सदस्यों के सुख का ध्यान रखें। अगर आपको थोड़ा सा दुख भी सहना पड़े तो भी परिवार के सदस्यों के सुख का भाई ध्यान रखें। अगले भाव पर चलते हैं। दसम भाव में चंद्रमा हो तो शुभ चंद्रमा अगर दसम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक के पास अच्छी शक्तियां होती हैं। मगर जो लोग जातक के नीचे कार्य करते हैं वो जातक की शराफत का नजायज लाभ उठाते देखे गए हैं। इसलिए जातक को जो इसके सबोर्डिनेट होते हैं, या अगर बिजनेस में हो जो फैक्ट्री दुकान में कार्य करते हैं, उनके साथ ज्यादा खुलना नहीं चाहिए, यानी लिमिटेड बातें करनी चाहिए, तब आप उनसे पूरा कार्य ले सकेंगे। इसके अलावा दसम भाव में चंद्रमा हो तो जीवन में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है कम से कम दो बार डाउनफॉल आएंगे, दो बार गिरावट आएगी लेकिन अधिक समय तक नहीं चलेगी। इसलिए अधिक टेंशन नहीं लेनी। जैसे नौकरी में ट्रांसफर हो गई किसी बहुत गलत जगह पर, बिजनेस में घाटा पड़ गया, राजनीति में कोई बड़ा ओहदा मिलना था किसी ने ऐसी चाल चल दी नहीं मिला, तो कुछ समय के बाद आपको मिल जाएगा, अधिक चिंता नहीं करनी। दसम भाव की भाई जो गुप्त शक्ति है जो इससे अष्टम भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव। तो गरीबों से कभी बेईमानी ना करें, और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें जो नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक, आजकल तो हफ्ते के बाद टेक्निक्स बदल जाती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कामयाबी हासिल करोगे। एक बात कहना चाहता हूँ कि दसम भाव में चंद्रमा हो तो कंप्यूटर अधिक से अधिक चलाएं, उससे आपको अच्छा लाभ होगा। इसके अलावा दसम भाव में चंद्रमा हो तो किसी की भावनाओं से खिलवाड़ ना करें। अगर आपके पास पैसे अधिक हैं तो किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाएं। अगर शक्तियां अधिक है तो जिसके पास कम शक्तियां हैं उसका मजाक बिल्कुल ना उड़ाएं।
अगले भाव पर आते हैं, ग्यारहवें भाव में भाई लाभ के भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए। तो आम तौर पर देखा गया है कि ग्यारहवें भाव में चंद्रमा हो तो ऑपोजिट सेक्स के कारण जातक के जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, चाहे घर में खून के रिश्ते में हो, चाहे बाहर के रिश्ते में हो। इसलिए विपरीत लिंग के लोगों से सावधान रहना है आपको। आमदनी अच्छी होती रहेगी, लेकिन बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो अधिक टेंशन नहीं लेनी। इसके अलावा जीवन में अधिक कार्य चेंज नहीं करने, एक ही काम में दिल लगाकर करना है, सफलता आपको मिलेगी। ग्यारहवें भाव में शुभ हो चंद्रमा सॉरी, तो भाई आपका जो सोशल सर्कल है, मित्र है, जो आपके मित्र मंडली है, वो बहुत बड़ी होगी और आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे। ग्यारहवें भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो अपनी बहू से और दामाद से भावनाओं से काम नहीं लेना, कूटनीति से काम लेना है। उनकी जो चालें हैं वो समझकर उनके साथ व्यवहार करना है। तो जो ग्यारहवां भाव है, इससे जो अष्टम भाव बनता है वो बनता है भाई छठा भाव। तो जो इसकी गुप्त शक्तियां छठे भाव में छिपी हुई है, अपना करैक्टर इस तरह का रखे कि दुश्मन भी आपकी इज्जत करे। अगर आपके पास शक्ति है तो किसी ने आपका बुरा भी किया हो, अगर आपके पास आकर रिक्वेस्ट करे कि जी मेरा ये काम कर दीजिए या करवा दीजिए, तो करवा दे, इससे आपको बहुत लाभ होगा। दुश्मन भी आपकी इज्जत करे, इस तरह का नेचर रखे अपना। छोटी छोटी बीमारियां अगर लगातार बनी रहे शरीर में तो अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई ये छोटी छोटी बीमारियां आपको बड़ी बीमारियों से बचा रही हैं, बड़ी दुर्घटना से बचा रही हैं, इसलिए इनका आपको लाभ ही है। लास्ट भाव रह गया बारहवां, उसकी भी चर्चा। बारहवें भाव में चंद्रमा हो तो जिन जातकों की कुंडली में बारहवें भाव में चंद्रमा होता है, देखने में ऐसा आया है कि जन्मभूमि से दूर जातक अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। बारहवें भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो सेक्स में संयम का उपयोग करना चाहिए, वरना इसका असर आपके शरीर पर पड़ेगा और बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा बारहवें भाव में चंद्रमा हो तो जरूरत से अधिक दयालु मत बनिए। किसी को उधार देना हो तो उतना ही दीजिए कि अगर वो वापिस ना करे तो भी आपको अधिक दुख ना हो। बीमारों की सेवा, दवाइयों का दान, ये आपके लिए बहुत उत्तम है। इस जब आप कोई अच्छा काम करने लगोगे ना, तो आपका मन आपके कदम पीछे करने की कोशिश करेगा। उस समय मन पर काबू रखना है, और जब 55-60 साल की उम्र हो जाए तो पूरे का पूरा ध्यान अच्छे कामों की ओर लगाना शुरू कर दीजिए। तो भाई बारहवें भाव से अष्टम भाव कौन सा बनता है?
तप्तम भाव। तो जो इसकी शक्ति छुपी है सप्तम भाव में, जीवन साथी की इज्जत कीजिए, पूरा बढ़ता मान सम्मान दीजिए, तो आपका भाग्य बढ़ेगा। जो बच्चे गरीब है उनको कॉपी किताबें या इस तरह का सामान, जिसके कारण वो अच्छी पढ़ाई कर सके, किसी के पास फीस नहीं है स्कूल की कॉलेज की, वो आप दे दीजिए। गरीबों को कपड़े दान करने भी आपके लिए उत्तम होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था चंद्रमा के ऊपर, कि प्रत्येक भाव में हम चंद्रमा का शुभ लाभ किस तरह से ले सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।